होमोसेक्सुअलिटी सुनकर अटपटा लगता है ना, आज हम पर इसी होमोसेक्सुअलिटी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आज हमारे देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज के समय के निगाहों से हमें देखनी होगी, हमें उन्हें समझनी होगी। और होमोसेक्सुअलिटी जो है ना, वो एक ऐसा ही मुद्दा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। लोग इसके बारे में बात करते भी हिचकिचाते हैं, दे हेजिटेट, क्योंकि आज तक ये एक टैबू है। अब समय आ गया कि हम इन मुद्दों पर खुल के बात करें। बच्चों को जेंडर सेंसिटाइजेशन, एलजीबीटी कंसेप्ट के साथ घर में सेक्स एजुकेशन देना आज के समय की मांग है, आज के समय की जरूरत है। एक पिता को खुल के अपने मेल चाइल्ड से ये सब बातें खुल के करनी चाहिए, उन्हें समझानी चाहिए। और एक माँ को एक फीमेल चाइल्ड के साथ अगर जरूरत पड़े तो दोनों पेरेंट्स रोल को स्विच भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI, कंडम जो कंट्रासेप्शन है, इन सब कंसेप्ट को आप खुल के घर में डिस्कस कीजिए। बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे कॉलेज जा रहे हैं ना, उनके कॉलेज जाने की उम्र हो गई है, तो इसमें तो आपको और ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करनी होगी, हमें उन्हें बताना होगा। माना कि आज इंटरनेट का दिन है, यहाँ टीनेजर सेक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर ये इसका सिर्फ एक वन साइड को जानते हैं, एक आधे साइड को जानते हैं, बुरा साइड को, मतलब उनका नॉलेज अभी अधूरा है, एंड देट कुड बी मोर डेट्रीमेंटल। एक बार मैंने अपने भतीजे से कहा कि अगर तुम कॉलेज पार्टी में खास करके नाइट पार्टीज अटेंड करते हो तो अपने साथ कंडम लेके जाया करो। वो शर्मा गया, हंसने लगा, पर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये जरूरी क्यों है। सी, इन सब बातों में शर्माना नहीं चाहिए। कंडम इज नॉट एक्चुअली ओनली फॉर कंट्रासेप्शन, बट दिस इज ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैनी डिजीज। नो रोल ऑफ कोर्स, कंडम हर डिजीज को फिर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो यही सब बातें जो हमें खुलकर करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और कॉन्ट्रासेप्शन पर हम और एक किसी एपिसोड में, किसी वीडियो में खुल के बात कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ लेट्स टर्न बैक टू आवर मेन टॉपिक, होमोसेक्सुअलिटी। सी, LGBTQIA, हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट? आई होप यू हैव। इट स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्सुअल, एसेक्सुअल। जाना चाहेंगे इनके बारे? ऐसा करते हैं, इस LGBT के क्लासिफिकेशन को जो है ना, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जरा इस कम्युनिटी की दिक्कतें, उनका अस्तित्व, उनके लिए शादी, एडॉप्शन वगैरह के कानून, और इस दुनिया में उनके प्रति किस तरह के रवैये रखे जाते हैं, उनके क्या डिमांड्स हैं, अलग अलग देशों में उनके लिए किस तरह के कानून बनाए गए, किस तरह के कानून तैयार किए गए हैं, आज की तारीख में इनकी स्थिति क्या है, ये सब बातें डिस्कस करते हैं। दरअसल ये टॉपिक बहुत ही करंट है। कई सामाजिक और धार्मिक विवादों के बीच हमारा देश भारत अभी एशियाई देशों में शायद दूसरा वो देश बनने जा रहा है जो सेम सेक्स मैरिज को कानूनी तौर पर एक्सेप्ट करेगा। ताइवान एशिया का पहला देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है इन द ईयर 24 मई 2019। वैसे भारत ने भी आज से 5 साल पहले होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया था 2018 को। और पता है, जैसे भारत अभी दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, और उसी तरह हमारे LGBT पॉपुलेशन भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इट्स अबाउट 1.35 मिलियन, 10% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन। हालांकि कुछ लोग इस आंकड़े को डिनाई करते हैं कि यह गलत है, यह ऐसा नहीं है। मैं आगे आप सबको दुनिया में LGBT कम्युनिटी से जुड़े कुछ फैक्ट से भी वाकिफ करवाऊंगा। फिलहाल चलिए देखते हैं हमारे देश में उनकी क्या स्थिति है। देखिए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, भारत धर्मों का देश है, एक धार्मिक देश है। यहाँ हर कम्युनिटी का, हर रिलीजन का अपना कानून है, और इसी कानून के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आज तक एक लटका हुआ मुद्दा है। अब LGBT कम्युनिटी का अपना ही अलग प्रॉब्लम है, अपनी अलग समस्या है। इनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन इस तरह नहीं होता जिस तरह हमारी सोसाइटी, हमारा समाज उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। दे आर नॉट कन्वेंशनल, मतलब हम इससे यूज टू नहीं है, पर हम उन्हें एबनॉर्मल बिल्कुल नहीं बुला सकते। हम अगले वीडियो में उनकी सेक्सुअल नेचर के कारणों को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं कह रहा था, उनके इस डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के चलते दुनिया उन्हें अलग नजर से देखती है। तो इसी के चलते कई देश सहित भारत में भी उनकी पारिवारिक परिभाषा एक तरह का तर्क का विषय है। तो भारत में पर्टिकुलरली समस्या यह है कि शादी हमारे समाज का बहुत जरूरी रस्म है। एक लड़का एक लड़की बिना शादी के, खैर आजकल तो मेट्रोस में और बड़े शहरों में आम बात हो गई है, पर आज भी उनके बारे लोग बात करते हैं। वे लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते, उन्हें शादी करनी ही होगी। तो ऐसे समाज में जहां शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि एक तरह की मजबूरी भी है, वहां LGBT कम्युनिटी के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा बाधा बन जाता है। अब तो लोग खास करके एक लड़का और एक लड़की अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो शादी कर लेते हैं, पर LGBT कम्युनिटी को अभी तक दुनिया के कई देशों सहित भारत में भी शादी करना, स्पेशली सेम सेक्स के साथ शादी करना अलाउड नहीं है, ये इलीगल है। इसके विपरीत लेकिन घरवाले शादी करने के लिए उन्हें मजबूर भी करते हैं, ऑफकोर्स विथ द अपोजिट सेक्स। अब दिक्कत यहां आ जाती है। एक तो LGBT वाले समाज के नहीं
अपनी पसंद से, हर किसी की तरह अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, पर समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। यही पर बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अब भारत में तो पर्सनल लॉज के चलते स्पेशल कैसे, पता है हमारे देश में, हमारे भारत में कम से कम 30 पर्सनल लॉज हैं, और उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो सेम सेक्स मैरिज का समर्थन करते हो। तो इसी बात को लेकर इस कम्युनिटी ने इनकी शादी को लीगलाइज करवाने के लिए 18 अप्रैल 2023 को कोर्ट में केस कर दी। ये केस अभय दंगे एंड सुप्रिया चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है, अभय दंगे एंड सुप्रिया चक्रवर्ती केस के नाम से जाना जाता है। दे आर वन ऑफ द 18 रिकॉग्नाइज्ड इंडियन गे कपल्स। इन दोनों की शादी 18 दिसंबर 2021 को तेलंगाना में हुई थी, एंड सपोजिटली दे आर द फर्स्ट गे मैरिड कपल ऑफ द स्टेट। इनके अलावा ऋषि सतवाने और उनके पार्टनर विन की शादी 2018 में महाराष्ट्र में हुई थी। ऋषि एक IIT ग्रेजुएट है और विन बाय प्रोफेशन एक टीचर है जो वियतनाम से है। दोनों की मुलाकात US में हुई थी, वे भारत आए, उन्होंने शादी की, फिर US में लौट भी गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी शादी में, दोनों ही शादियों में कई सारे गेस्ट आए थे, और ऐसे कई गे कपल्स बाकी देशों की तरह इंडिया में भी मौजूद हैं। एंड सरप्राइजिंगली मुझे मेरे रिसर्च के दौरान 1987 का भी एक लेस्बियन कपल मैरिज का पता चला, सेंट्रल इंडिया का केस है, जहां दो पुलिस वुमेन ने हिंदू रिवाज के अनुसार उस वक्त शादी की थी। कोर्ट में जो केस है वहां 11 मई 2023 तक इसके ओरल आर्गुमेंट चले। द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने इसे भारत की संस्कृति के विरुद्ध बताकर, इसे एक अर्बन एलिटिस्ट कंसेप्ट मानकर जो भारत के सोशल इथोस के खिलाफ है, इसे खारिज करवाने की भी कोशिश की थी, उन्होंने प्रयत्न किया था पर सुनवाई हुई। उन्होंने, तुषार मेहता ने यह भी कहा कि ऐसे मामले में कोर्ट से ज्यादा पार्लियामेंट का किरदार होना चाहिए, अब इसका परिणाम कभी भी आ सकता है। This is the current situation. दोस्तों, एक इंडिविजुअल का सेक्सुअल ओरिएंटेशन नेचर द्वारा तय किया जाता है। We can't force on it. हम किसी को इसके ऊपर फोर्स कर भी नहीं सकते। अरुणाचल प्रदेश में एक ट्रांसजेंडर है, हालांकि यहाँ बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं, बट आई नो हर बिकॉज शी इज अ ट्रेमेंडस बैले डांसर, आपने भी देखा होगा, एंड अ यूट्यूबर बेला थामिन। आई गेस शी इज फ्रॉम अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इन वन ऑफ हर इंटरव्यूज मैंने सुना, शी सेज कि मतलब दो बोर्न एज ए मैन, एक आदमी बनकर वो पैदा हुई थी, बट शी ऑलवेज एस्पायर टू बी ए गर्ल, हमेशा एक लड़की बनना चाहती थी, और उन्होंने अपना सेक्स जेंडर भी चेंज करवा लिया ऑपरेशन के जरिए, और वो अभी शादी भी करना चाहती है, माँ भी बनना चाहती है। ये सब बातें हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है। ये बातें उन्हें एबनॉर्मल लगती है, लेकिन ये एबनॉर्मल बिल्कुल नहीं है। विल टॉक मोर अबाउट इट इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड आई शुड ट्राई टू थ्रो मोर लाइट ऑन इट। फिलहाल चलिए LGBT से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स से भी वाकिफ होते हैं जो दुनिया में घटी तो सही, लेकिन शायद आपको खबर भी नहीं रही होगी। क्या आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया में वो पहला देश है जिसके एक लोकल ज्यूरिडिक्शन ने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज कर उन्हें मैरिज लाइसेंस भी दी थी, वे बैक इन 1971। 2001 में नेदरलैंड यूरोप का वो पहला देश बना जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था, और फिर 2005 में कनाडा वो पहला अमेरिकी देश, और साउथ अफ्रीका वो पहला अफ्रीकी देश बना जिन्होंने इसे लीगल माना। इसका उल्टा कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने LGBT प्रैक्टिस के ऊपर प्रिवेंटिव लॉज भी लगाए हैं, जिनमें जॉर्जिया और रशिया जैसे देश शामिल हैं, एडवांस कंट्रीज। जॉर्जिया ने 2018 को, रशिया ने 2020 को इसके खिलाफ प्रिवेंटिव लॉज इनेक्ट किए थे। कुछ ऐसे देश भी हैं जो इसके खिलाफ डेथ पेनल्टी तक कानून पास किया है, उन देशों में मोरिटेनिया, सऊदी अरेबिया, सोमालिया और UAE जैसे देश शामिल हैं। हालांकि अभी तक इन देशों के किसी को भी, इन देशों में इस मामले में मौत की सजा की खबर तो नहीं मिली है, पर ईरान और अफगानिस्तान में इस तरह की अफवाहें एक बार फैली थी। यहां हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2023 को नेपाल पार्लियामेंट को सेम सेक्स मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एक ट्रांजिशनल मैकेनिज्म तैयार करने का उन्हें डायरेक्टिव दिया है। अगर नेपाली पार्लियामेंट ये भारत से पहले पास कर देता है तो इट विल बिकम द सेकंड एशियन नेशन टू डू सो, ताइवान इज द फर्स्ट एज आई टोल्ड यू। भारत में भी लेकिन इसके कई समर्थक हैं। 2017 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर इस पर एक ड्राफ्ट इंक्लूड करने की एक प्रपोजल भी आई थी। 1 अप्रैल 2022 को अपोजिशन के एक NCP मेंबर ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जहां सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट में इंक्लूड करने की बात भी कही गई थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर दुनिया में भी और हमारे देश में भी धीरे धीरे ऐसे ही सेम सेक्स मैरिज भी लीगल तरीके से एक्सेप्ट की जाएंगी। मैं इसे एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप मानता हूं, जहां एक इंडिविजुअल को अपनी जिंदगी और पसंद को समाज के शर्तों के आगे नहीं हारना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।